मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। फाइनली राहुल गांधी अमेठी एयरपोर्ट पे पहुंच करके फुर्सतगंज रायबरेली पहुंचे साथ में और नॉमिनेशन फाइल किया। आप देख सकते हैं रायबरेली से राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया है और साथ में उनकी वालदा सोनिया गांधी जो चेयरपर्सन है पार्लियामेंट्री बोर्ड की और प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत सभी लोग पहुँचे। और इस तरीक़े से रायबरेली सीट जो है राहुल गांधी फाइट करेंगे और सोनिया गांधी से पहले फाइट करती थी, अब वो राज्यसभा नामजद हो चुकी है। और किशोरी लाल शर्मा जी को जो है अमेठी से दिया गया है, वो अमेठी से फाइट करेंगे। इस तरीक़े से दोनों हॉट सीट यूपी का फाइनल हो चुका है। एक तरफ राहुल गांधी होंगे, दूसरी तरफ शर्मा जी होंगे। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है फाइनली। और यहाँ पर बीजेपी बार बार बोले, राहुल गांधी बोलते डरो मत, खुद राहुल गांधी डर चुके हैं। तो ये तो 4 जून को ही समझ में आएगा कौन डरा है, किसने डराया है, कौन डर रहा है, कौन मौजू से हट चुका है, कौन ट्रैक से हट चुका है, कौन मुद्दे से हट चुका है, कौन मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। मगर जिस तरीके से इस इलेक्शन में राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं, शायद इससे पहले किसी भी लोकसभा में नज़र नहीं आते। इनका तेवर बदला हुआ है, इनका लहजा बदला हुआ है, इनका अंदाज़ बदला हुआ है, सिर्फ अटैकिंग मूड में है, मसाइल उठा रहे हैं।